बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्ताइन एग्रीकल्चर सोल्यूशन के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने सरसों के, कनोला के और जो राय के ज़िम्मेदार हैं उनके लिए चंद सिफारिशात लेके हाजिर हैं कि काश्त से पहले जो अपने ज़िम्मेदार भाई चंद बातों पर अमल कर लें ताकि उनकी अच्छी पैदावार हासिल हो जाए। तो चूँकि जैसे ही अब कनोला और राया और सरसों की जो काश्त है वह शुरू हो जाएगी और मुख्तलिफ़ जो काश्तकार हैं अपने तजर्बे के हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको काश्त करेंगे, जिसमें अक्सर काश्तकार भाई इसको वटों पर भी काश्त करते हैं, गपछट के तरीके से भी काश्त करते हैं, खुश तरीके से भी इसको काश्त करते हैं यानी खुश्क वतर में काश्त करते हैं, कतारों और खेलों में काश्त करते हैं। और चंद काश्तकार भाई जो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उसको जो है वो ड्रिल के ज़रिए भी काश्त करते हैं। तो लेकिन काश्त करने से पहले मेरे काश्तकार भाइयों से यही दरख्वास्त है कि बीज को जो है मुख्तलिफ़ जो फफूंदी के ज़हरें मार्केट में मौजूद होती हैं उसके ज़रिए ट्रेड करके ही काश्त करें। लेकिन इस हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ़ काश्तकार भाई हैं इस हवाले से ये राय देते हैं कि जो हमारे बड़े काश्तकार थे, बड़े आबादार थे, वो इन तरीक़ाकार को फॉलो नहीं करते थे, किसी किस्म का भी ज़हर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन अब यह वो वक्त आ चुका है कि हमें मुख्तलिफ़ ज़रिए ज़हरें भी इस्तेमाल करवाने पड़ती हैं, खादें भी इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं ताकि हम मतलूबा जो पैदावार है वो हासिल कर सकें। तो अब बात आती है कि हमने जो राया है, सरसों है या कनोला है इसको कौन सा ज़हर लगाना है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के कीमियाई फंजीसाइड मौजूद होते हैं, थायफ्लोन मिथाइल होती है, वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो आप तकरीबन 2 से 2.5 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से जो ये ज़हर अपने एक बीज को लगा के काश्त कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से हम अपने जो किसान भाई हैं उनको ये राय तजवीज़ करते हैं कि वो ट्राइकोडर्मा जो एक केमिकल फंजीसाइड नहीं है, ये एक ट्राइकोडर्मा जो है ऑर्गेनिक फंजीसाइड है यानी बायो फंजीसाइड है, उसके साथ ट्रीटमेंट करके वहाँ आप इसको काश्त करें। चूँकि काश्तकार भाई ज़िम्मेदार भाई ये एक मुफीद बायो फंजीसाइड है यानी मुफीद फफूंदी कश है। इसके मुख्तलिफ़ तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। जो फ़ायदों की बात कर लेते हैं कि जब आप इसको बीज के साथ लगा के काश्त करेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की जब फंगस बीमारियाँ होती हैं वो आपके बीज पर हमला नहीं करेंगी। तो चूँकि हमारे ज़मीन में मुख्तलिफ़ तरह की जो फंगस बीमारियाँ मौजूद होती हैं जिसकी वजह से जैसे हम बीज काश्त करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो पौधे उगाव करते हैं तो वहाँ पे एक तो जो रूट रोड की बीमारियाँ होती हैं यानी जो जड़ की फंगस की बीमारियाँ होती हैं, जड़ को गला देती हैं। इसके अलावा तने की बीमारियाँ होती हैं, तने को गला देती हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं जो हमारे पैदावार में कमी का बायस बन रही होती हैं। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ तरह के जो केमिकल फंजीसाइड हैं वो भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्राइकोडर्मा है बायो फंजीसाइड है, ऑर्गेनिक है, ना हमारे पौधे को इसका नुकसान होता है ना हमारी जो इंसानी सेहत है उस पर इसका कोई असरात हैं। चूँकि हमने काश्तकार भाइयों ख़ास तौर पे ये जो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ होती हैं या जो हमारा ये कैनोला है या जो दूसरी राय है, सरसों है, हमने कहीं ना कहीं किसी मकसद के लिए इसको तेल के लिए इस्तेमाल करवाना होता है। तो कोशिश कर लें कि हमने कम से कम अपने इस राय पर जो है सरसों पर, कनोला पर कीमियाई फंजीसाइड इसका कम इस्तेमाल करें। अब जब हम ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं तो इसमें 2 अज़ा शामिल हैं, एक बायो फंजीसाइड का, एक बायो फर्टिलाइज़र का। यानी कि जैसे ही आप इसके साथ बीज के साथ ट्रीटमेंट करके काश्त करेंगे, बीज उगाव करेगा, मुख्तलिफ़ तरह की आप खाद इस्तेमाल करवाएंगे तो जो मुख्तलिफ़ तरह की खादें ज़मीन में जाके फिक्स हो जाती हैं, पौधे को नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर ये जो ट्राइकोडर्मा है अब वहाँ पर उनकी फिक्सेशन करेगा, उनकी तोड़ फोड़ करेगा, उनकी ब्रेकडाउन करेगा और वो जो मुख्तलिफ़ तरह के अज्जा हैं आपके पौधे को मिल जाएंगे, बढ़ोतरी अच्छी करेंगी। और अल्टीमेटली इसका ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जब आप ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करवाएंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं लंबी घनी मजबूत होंगी। और दूसरा जो आपकी जड़ पौधे की जड़ें होंगी उसके इर्द गिर्द अपनी एक तह बना लेगा जिससे जो नुकसानदेह फंगस होती है आपके पौधे पर हमला नहीं करेंगी, जड़ों पर हमला नहीं करेंगी और अल्टीमेटली आपकी पैदावार यकीनी बढ़ जाएगी। तो काश्तकार भाई इसका एक ये भी फ़ायदा है कि वहाँ पे जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो दोस्तमंद फफूंदीकश है वो उसकी बादी बढ़ जाएगी। तो इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये हो सकता है कि काश्तकार भाई आपने तकरीबन जैसे ही आपने 2 किलो या 2.5 किलो आपने बीज लेना है उस पर आपने कोशिश करना है कि उसको थोड़ा सा गीला कर लें या शावर से नम कर लें। और इतना ही नम करना है कि जो पाउडर है, चूँकि ये ट्राइकोडर्मा पाउडर होता है, जब आप वहाँ पे पाउडर छिड़काव करें तो वो जो पाउडर है वो वहाँ से अच्छी तरह चिपक जाए। और कोशिश करनी है कि उस पाउडर को आपने बीज के साथ अच्छी तरह मस लेना है, मिक्स कर लेना है। और कोशिश करनी है कि जैसे ही आप वहाँ पे इसकी ट्राइकोडर्मा की ट्रीटमेंट कर लें, ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पे छाँव में जो है खुश करने के बाद इसको जिस तरीक़े से भी आप काश्त करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काश्त कर सकते हैं, और वहाँ से उसको उस तरीके से काश्त कर लें। ट्राइकोडर्मा के हवाले से हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और इस हवाले से तफसीली मालूमात दी हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसकी दस्तियाबी के हवाले से भी अक्सर काश्तकार पूछते हैं कि हमें किसी भी डीलरशिप से या मुख्तलिफ़ केमिकल कंपनियों से इस हवाले से मालूमात नहीं मिलती या हमें दस्तियाब नहीं होता। तो इस हवाले से बता दें कि काश्तकार भाई इस हवाले से पूरे पंजाब में हम इसको डील कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसकी जो दस्तियाबी है वो लिमिटेड है। तो जो काश्तकार भाई जिनको चाहिए होता है वो हमसे रब्ता कर देते हैं और उनको हम वहाँ पर भिजवा देते हैं। तो काश्तकार भाई आप अपने किसी भी एक एकड़ के हिस्से पर इसको इस्तेमाल करवाएं। इसका इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स होंगे आप हमें खुद अपनी फीडबैक में बताएंगे और अपने दूसरे जो काश्तकार भाई उन तक इसको लाजमी जो शेयर करें, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और हमारे काश्तकार भाइयों के लिए मुफीद है, हमारी सब्जियों के लिए और दूसरी तमाम जो हमारी फसलें हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। और उम्मीद है कि काश्तकार भाई ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने होस्ट दाकत अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।